हालांकि ऐसा तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहले से है तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। लकी अपने आई की, प्रश्न क्या दिया है साथियों? लकी अपने आई की, इसको इसको हटाइए, आपको हम डिस्कशन करते हैं। लकी अपने आई का 85% खर्च करता, यदि उसके खर्च में 1% की वृद्धि होती है और बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आई, आई जानते होंगे टोटल इनकम होता है, आई क्या होता है? टोटल इनकम। व्यय कितना होता है? व्यय, व्यय जो खर्च किए हैं, और बचत क्या इतना होता है? बचत जो बचा हमारे पास। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका, मान लीजिए उदाहरण दें कि 100 रुपया कमा रहा है, क्या कर रहा है? 100 रुपया उसका इनकम है, इनकम 100 रुपया है, मतलब कि कोई काम करके 100 रुपया कमा रहा है। यदि वह खर्च कर रहा है 80 रुपया, एक्सपेंडिचर यानी व्यय कितना कर रहा है? 80 रुपया, तो सेविंग कितना करेगा? 100 रुपया था और 80 रुपया खर्च कर दिया, यानी 20 रुपया क्या कह रहा, सेव किया, यानी 20 रुपया बचाया। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग, मतलब सम ही हमारा इनकम कहलाता है। यानी आपने जितने खर्च किए और जितना बचाया, उन दोनों का योग किसके बराबर होगा? इनकम के बराबर होगा। तो यहाँ पर इनकम क्या हो जाएगा? 100 रुपया, और एक्सपेंडिचर कितना? 80 रुपया, सेविंग कितना होगा? 20 रुपया। अब देखिए प्रश्न में दिया है लक्की अपने आय का 85% खर्च करता, यानी उसका आय, आय को किस तरह माने कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 100 लेकर चलें, ऑप्शन बाय ऑप्शन मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मेथड नहीं चलते हैं। पहले मानते हैं उसके पास 100 X रुपया उसका इनकम था, उसने 85% खर्च कर दिया, यानी 100 का 85% यानी 85X खर्च किया, तो उसके पास बचा कितना? 15X बचा। यानी देखिए, इन टोटल आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब बोल रहा यदि उसके, यहाँ पर साथियों हम गड़बड़ ये किए हैं कि एक्स नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते हैं कि एक्स यहाँ पर वेरिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हमें क्या करेगा, कैलकुलेशन में हमें परेशानी पैदा करेगा, तो हम इसलिए उसको नहीं मानकर हम यहाँ पर मानते हैं पी मानते हैं। 100 P है, 85 P खर्च किया और 15 P बचाया। अब बोल रहा है यदि उसके खर्च में कितना हुई? 1% की वृद्धि हुई उसके खर्च में, यानी व्यय में, व्यय को क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं। 1% की वृद्धि हुई, यानी 85 P था तो 1% की वृद्धि हुआ। कहें हम आपको 100 रुपया था, 100 रुपया किसी चीज़ का मूलधन है, 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई तो कितना वृद्धि हुई? 100 का 20% निकालते हैं, 100 का 20% निकालते हैं, कितना आया? यानी 120 रुपया, 20 रुपया आया। तो 20 रुपया के वृद्धि हुआ कितना में? 100 में। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या दिया कि 1% की वृद्धि हुई, तो 1% क्या क्या बोले, 20% की वृद्धि हुई, लेकिन हुआ कितना वृद्धि होकर हुआ नंबर, तो 100 + 20 120 हुआ। तो इसी को इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 100 रुपया पहले था, 20 रुपया का वृद्धि हुआ, यानी 120% रहा होगा, इतना 100 करते हैं तो यहाँ से दो सुना गया, यानी 120 रुपया रहा होगा। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर देखिए, इसका पहले कितना था? 85 रुपया व्यय था, लेकिन 1% की वृद्धि हुई, यानी कह सकते हैं 100 + X% इतना क्या हो गया? उसका वृद्धि हो गया। अब उसके बोलता है कि बचत में कितना हुआ? 60% की वृद्धि हुआ है, यानी 15 P था पहले से, तो 60 P में वृद्धि हुआ, यानी 160/100 हुआ होगा। अब देखिए साथियों, आप देखिए आगे क्या बता रहा है, आय में 26% की वृद्धि हुई, यानी 100 P पहले आय था तो अब क्या हो गया, 26% की वृद्धि, यानी 126/100 ये हो गया। अब देखिए साथियों, अब हम इसको यहीं पर यदि आपको सॉल्व करें तो कुछ इस तरह लिख दिए, आय लिख दिए, व्यय लिख दिए, बचत लिख दिए। अब साथियों आपको पता है कि आय बराबर, यदि आय हम आपको लिखें, आई बराबर कितना होगा?
तो आय होता है व्यय, जो आपने खर्च किए। तो व्यय प्लस बचत का योग ही हमारा क्या बताता है, इनकम बताता है। तो यहाँ पर आय कितना निकालें, 100 P गुना 126 अब बटा 100 अब बराबर क्या, व्यय कितना है साथियों, 85 P गुना 100 प्लस एक्स अब बटा 100, ये हुआ। अब प्लस बचत कितना हुआ, 15 P गुना 160 अब बटा 100। साथियों यहाँ देख रहे हैं P सभी में एलिमिनेट कर सकते हैं, P यहाँ से कॉमन लेके हटा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 100 से 100 गया यानी इधर कितना बचा, 126, 126 बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 85। और यहाँ कितना हुआ, 100 प्लस एक्स अब बटा 100। इधर कितना हो गया साथियों, 1 शून्य से 1 शून्य आ गया, 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटें तो 2 दूसरे 8 दूनी 16 यानी 24 इधर हुआ। अब इसको देखिए, कांस्टेंट टर्म एक साथ है तो इसको एक साइड करते हैं, इधर 24 लिखते हैं तो 102 हो गया इधर आ दियो साथियों। इधर कितना होगा, 85 100 प्लस एक्स बटा 100। अब देखिए, 17 सत्रह पचे 85 है, 17 छक्का 2 तल से, अब 5 से कटेगा तो 5 से 20 25 100 यानी कितना लिख सकते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 120 बराबर 100 प्लस एक्स यानी एक्स बराबर कितना है साथियों, 20%, यानी उस एक्स का मान कितना है, 20% है। तो इस तरह आप, ये तो लंबी लेंदी मेथड है, यदि शॉर्ट मेथड बनाना चाहते हैं तो बाय ऑप्शन आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या करना है, 20% तो आ गया, मान लिया उसका आय 100 रुपया था, उसका आय 100 रुपया, 85% खर्च किया और उसने बचाया कितना, उसने बचाया होगा 15 रुपया। अब उसके खर्च में कितना हुआ, 1% की वृद्धि हुआ। तो 1% वृद्धि का कहने का मतलब है कि कोई संख्या लीजिए जो क्या है, उसके जो मतलब क्या होता है, जो डिविजिबल है पूर्ण रूप से। तो मान लीजिए 20%, देखिए 26% लेंगे तो 26% 85 का 26% करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, जो पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं है। 130% यानी 85 का 30% करें तो क्या होगा, 85 का मान 130 मतलब 30%, तो ये भी नहीं कट रहा है। मतलब कि क्या कहने का मतलब कि ऑप्शन से मतलब कि छाटने का तरीका है, यदि 34 34 यानी 85 का यदि हम 34% बढ़ावें तो ये भी पॉइंट में जा रहा है, तो हम इसीलिए 20% को लेते हैं। क्या लेते हैं साथियों, 20% को। तो देखिए 20% कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर 85 था उसमें से 20% की वृद्धि हुआ यानी 120 बटा 100 हुआ होगा, 100 यानी कितना का वृद्धि हुआ व्यय में, 5 से काटे तो 5 से 17 25 85, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 6 दूनी 12 यानी 17 छक्का 2 तल से यानी 102 रुपया हो गया। क्या चीज़, 102 रुपया व्यय हो गया यानी खर्च बढ़कर हो गया। अब देखिए बचत में 60% की वृद्धि हुई, तो बचत पहले 15 रुपया था तो 60% की वृद्धि हुई यानी कितना रहा अब हो गया होगा, तो देखिए निकालते हैं, 5 से 5 तिया 15, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 8 दूनी 16 यानी 24 रुपया बचत रहा होगा, 24 रुपया बचत रहा होगा। तो साथियों यहाँ आय कितना रहा होगा, यहाँ से आय तो अब आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से आय निकल जाएगा ना, आय आय बराबर हुआ ना व्यय प्लस बचत। तो अब प्रश्न क्या दिया, आय में 26% की वृद्धि हुई, तो क्या यहाँ पर सेटिस्फाई किया ना कि आय पहले 100 था 26 आ गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, 26% का, यानी हमारा जो माना हुआ संख्या था वह क्या था, 20%, वह एक्यूरेट था यानी सही था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा जो ये एक्स एक्स बराबर 100 माने मतलब इस पर बनाएं तो ये 20% ही हमारा आंसर होगा, इस तरह भी बना सकते हैं। अब बाकी बोलिएगा कि बाकी ऑप्शन को क्यों चेक नहीं किया, डायरेक्ट ये तो आंसर आया, इसी के आधार पर आप मार दिए कि 20% पहले मार चुके इसलिए हम 20% चले। हाँ तो ये तो बात है कि मतलब कि देखिए आप यहाँ पर
बाकी नंबर को कीजिएगा तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, यानी पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा जो कैलकुलेशन में क्या करेगा, परेशानी फंसा आ जाएगा। इसीलिए क्या करना है कि इसको पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण इंटीजर के फॉर्म यानी पूर्ण रूप से कट जाए, तो इसीलिए हम 20% को उठाएँ। तो आप समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक टीवी का अंकित मूल्य, टीवी का अंकित मूल्य कितना है, एक टीवी का अंकित मूल्य यहाँ दिया हुआ है कितना है, 25,000 रुपया। दुकानदार ग्राहक को 15% और 8% की क्रमिक छूट, मतलब क्रमिक छूट कहने का मतलब है कि लगातार दो छूट देती है। यदि ग्राहक टीवी के लिए इतना रुपये मतलब 17,000 रुपये भुगतान करते हैं तो आर का मान बताइए। तो साथियों देखिए, 25,000 उसका अंकित मूल था, कितना था अंकित मूल, कितना था 25,000 रुपया अंकित मूल, अंकित मूल कितना था 25,000 रुपया, 25,000 रुपया था। यदि 15% की छूट दिया और फिर क्या किया, छूट दो को दिया, छूट कितना दिया दो को, एक था 15% और दूसरा क्या था सेकंड छूट, सेकंड छूट था अच्छा जो 8% था, अठी दे दूँ पापा जोरन जोरन दे दूँ दे दूँ मैं। दूसरा जो छूट था कितना था 8% था। तो अंकित मूल्य पर दो छूट के बाद उस वस्तु को यानी बिक्रय कितना किया गया, 17,000 रुपये में बिक्रय किया गया। तो आर का मान पूछ रहा है। तो साथियों 25,000 का अंकित मूल्य है, उस पर यदि 15% पहला छूट के बाद कितना में वस्तु का दाम हुआ होगा, 25,000 था, यदि 15% का छूट दिया यानी 85% में उस वस्तु को बेचे होंगे। एक्चुअली में मान लीजिए ये 100% टोटल था, तो 15% का छूट दे रहे हैं यानी 85% में उस वैल्यू को बेचे थे। तो 85% देखिए यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से 25 गुना 85 करते हैं तो कितना आ गया 25 गुना 85, पच्चीस पाँच दुनी दस 2 12 और 25 8 200, 200 यानी कितना है साथियों 5212 यानी 21,250 रुपया है जब 15% की छूट दिया। अब बोल रहा है कि दूसरा छूट देने कितना प्रतिशत रहा होगा ताकि वस्तु को इतना में बेचा होगा, तो निकाल लेते हैं। अब इतना का वस्तु इतना में बेचना है तो कितना का छूट दिया हुआ, यहाँ से निकालते हैं तो 21,000, देखिए यहाँ से निकालते हैं 21,250 में क्या करते हैं 17,000 को माइनस करते हैं तो कितना बचा 5274 यानी 4250 रुपये का छूट दिया। किस में देगा तो 21,250 में इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा कितना 5 दुनी 25 दुनी 50 कितना मतलब कटेगा 25 दुनी 50 21 दुनी 42 यहाँ से छोड़िए ना, यहाँ से एक सुना है ना, यहाँ पर एक सुना ये काटते हैं, इससे काटते हैं 25 दुनी 50 दो मरतबे यानी कितना हो गया साथियों 20% का छूट दूसरा रहा होगा वस्तु को। तो इस तरह निकाल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ऑप्शन मेथड करना है तो आपको क्या करना होगा, 25,000 तो लिख लिए हैं, 25,000 दो छूट दिया, पहला हो गया 85%, दूसरा को आप मानिए डायरेक्ट, मान लीजिए कोई संख्या उठाइए 20% उठाए होंगे तो 80% में दिया होगा। अब इसको करिए इतना आता है कि नहीं, मान लीजिए हम डायरेक्ट ये वाला लिए तो यहाँ से दो सुना एक सुना फिर एक सुना 25 8 200 गुना 85 करिए 5 2 10 8 2 16 17 यानी 20% हमारा माना हुआ सही है। तो इस तरह भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह आपको ये तो हो गया ऑप्शन बाय ऑप्शन के हिसाब से, मान लीजिए टीवी का अंकित मूल्य इतना था तो 15% और 8% के दो क्रमिक छूट बना निकाल कर, यदि नहीं तो ऐसे भी एक बना सकते हैं, 25,000 रुपये का वस्तु था, पहला छूट दिया 85% मतलब कि 15% के छूट दिया यानी बिकेगा कितना में 85% में, दूसरा का छूट का पता नहीं है लेकिन 100 - R का छूट दिया बराबर कितना होगा 17,000। तो यहाँ से भी आप इससे भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ गया 1 से 1 सुना गया 5 से 17 25 85 5 से 5 2 10 दूसरे काटे हैं तो दूसरे कटेगा नहीं कटेगा तो दूसरे रहने देते हैं तो 17 1 17 2 यहाँ से 2500 यानी 40 दुनी 80
तो यहाँ से आर बराबर यहाँ से भी 20% निकल जाएगा। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक वृत्त में दो जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर आंतरिक रूप से काटते हैं। एक वृत्त में कितनी जीवाएं? दो जीवाएं एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त जानते हो साथियों, वृत्त क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड दूरी पर जो जो ड्रोन करते हैं उसको, मतलब कि फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया, जिसको सेंटर बोलते हैं। फिक्स्ड लाइन से जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं? वृत्त बोलते हैं। एक कंटिन्यूअस पाथ है। अगला देखिए, इसमें दो जीवा हैं। दो जीवा मान लीजिए ए बी है, ये ए बी हुआ और इधर क्या हो गया साथियों? सी डी हुआ। इसको सी डी माने। दोनों क्या क्या पी आंतरिक बिंदु पर, यहाँ पर पी पर रूप से काटता है। तो ए पी बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी सी कितना दिया? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और डी पी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मान पूछ रहा है। तो जानते हैं साथियों, दो सर्किल में जब दो कोण आपस में, इसे ए बी सी डी, पॉइंट बी डी है यहाँ पर, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पर इसका थ्योरम होता है ए पी इंटू पी बी बराबर डी पी इंटू पी सी, ये थ्योरम होता है। मतलब कि इस भी इसका लेंथ और टोटल इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए 3.5 यानी ए पी इंटू पी बी बराबर डी पी, या जो भी लिखिए डी पी ए लिखिए भाई, डी पी इंटू पी सी, दोनों तो क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन करना। ए पी बराबर 3.5 गुना पी वी हमको निकालना है। डी पी कितना दिया है? 5 इंटू पी सी, पी सी बराबर निकाल लिया 7, यहाँ 7 × 5 = 35.5। तो यानी 5 से 5 गया, यानी एक्स बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि पी वी का लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो सर्किल के बारे में कुछ बताते हैं आपको। ये सर्किल हो गया, क्या हो गया साथियों? एक सर्किल बनाते हैं। क्या एक सर्किल है? एक सर्किल बनाएं। तो यहाँ पर ये केंद्र हो गया, केंद्र हो गया साथियों, यहाँ पर क्या हो गया? केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? ये त्रिज्या हो गया। ये यदि एक कोण है, ये क्या है? एक कोण है, जीवा, यानी ए भी एक जीवा है और ओ सेंटर है। और यहाँ पर ओ डी क्या है? ओ डी क्या है? यहाँ पर त्रिज्या है। तो यहाँ पर ये जो कोण पर, जो यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या करता है? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। यानी यहाँ पर यदि एम बिंदु पर यदि काटता है, एम बिंदु पर यदि काटता है तो ए एम बराबर बी एम होता है, ये याद रखिएगा, एम बराबर बी एम होता है। और ये वो 90 डिग्री पर काटता है, और ये हुआ हमारा क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। तो ये रेडियस हो गया, यानी इस ट्रायंगल में बात करें तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हुआ? लंब हो गया। ये हो गया कर्ण हो गया। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये आपको पता ही है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी ये भी है सर्किल में, देखिएगा सर्किल में याद रखिएगा कि ये कोण है, सेंटर पर यदि सेंटर पर एंगल थीटा, यदि सेंटर पर इसी कोण को यदि सेंटर यहाँ पर थीटा बना रहा है, यानी तो यहाँ पर 2 थीटा बनाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सेंटर पर यदि 2 थीटा बना रहा है तो किसी के कोण सर्किल के कहीं पर जो एंगल बनाएगा, मतलब कि जो सर्किल के एनी एनी सेक्टर में, मतलब कि एनी एनी कहीं भी कहीं पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा होगा क्या? अगर थीटा आधा होगा। और कहने का मतलब इसका उल्टा का ही है, मतलब इसका थीटा तो इसका 2 थीटा, इसका 2 थीटा तो इसका थीटा। तो ये था, तो आज के लिए इतना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।